नोटिस रिलीज हुआ था, नोटिस क्या पता नहीं कैंडिडेट ने शेयर किया था व्हाट्सएप ग्रुप में एक ने, तो ये देख लीजिए कुछ वैकेंसीज, ये वो वैकेंसीज यहाँ पर दिखाई गई हैं जो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी हैं, और दूसरा एक पार्ट इसी नोटिस के अंदर था जिसके अंदर बोला गया है कि येट टू बी रिलीज्ड या येट टू बी एडवर्टाइज्ड बाय डीटर प्रेस भी। सो ये भी कुछ वैकेंसीज हैं, ये कौन कौन सी हैं बता देता हूँ वर्बली, बाकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं ये शेयर कर दूंगा। बाकी देखिए सिग्नेचर है, स्टैंप वगैरह है, सब चीज़ ठीक ठाक है। कौन सी पोस्ट की कितनी है जल्दी से बता देता हूँ। ड्राइंग टीचर 223, 223 वैकेंसीज। लाइब्रेरियन के लिए 64, पेट फिजिकल टीचर के लिए जो पीटीआई होता है उसके लिए फिजिकल एजुकेशन वाली वैकेंसीज 193 हैं। डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए जो वैकेंसीज हैं वो 188 हैं। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 123 वैकेंसीज हैं। म्यूजिक टीचर के लिए 15 हैं। स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए 364 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट प्राइमरी के लिए, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए 434 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए 74 वैकेंसीज हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए टोटल में, तो ये करीब करीब इन्होंने बताया कि टोटल मिसलेनियस टीचर्स 1678 कुछ बोला गया है। उसके बाद वो कौन कौन से हैं भाई, टीजीटी मिसलेनियस में 926 वैकेंसीज, और साथ ही साथ पीजीटी एंड ईवीजीसी में 322। ठीक है, ये सभी वैकेंसीज हैं, और ये सभी जो मैंने आपको बताया वो हैं जिसमें बोला गया है रिमार्क के तौर पर कि वैकेंसीज येट टू बी एडवर्टाइज, कि मतलब अभी की जानी है बाय डेट ऑफ प्रेस भी। ओके, और डेट ऑफ रिक्विजिशन जो इन्होंने बताया वो 28 जनवरी 2021, कि भैया 28 जनवरी 2021 में इनके रिक्विजिशन डिपार्टमेंट को भेज दिए गए हैं। ओके, और जो स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए है उसमें रिमार्क उन्होंने बोल्ड लेटर्स में दिया हुआ है, क्या वैकेंसीज हैज बिन ऑलरेडी एडवर्टाइज बाय डीट प्रेस भी। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी ये जो भी दोनों पेजेस हैं वो मैं गूगल ड्राइव का जो लिंक होता है वो क्रिएट कर कर और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दूंगा। एक तो ये बात रही, बाकी देखिए अब कब की जाएंगी कब नहीं की जाएंगी, टीजीटी में जो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज हैं वो कितने टाइम से पेंडिंग है, इवन वो चीज़ें आपकी जनवरी, जब 4 जनवरी 2020 में जिस टाइम पर बाकी नोटिस रिलीज किए गए थे और पीजीटी वगैरह की, टीजीटी मिसलेनियस पोस्ट की वैकेंसीज रिलीज की गई थी, वो चीज़ें पाइपलाइन में तब हो सकती थी, बट इन बिटवीन सैटरडे संडे हो गया, उसके बाद आचार संहिता लग गई और इलेक्शंस वाला प्रोसेस स्टार्ट हो गया। लेकिन देखिए इलेक्शन हो भी गए, इलेक्शन का रिजल्ट भी आ गया, सब कुछ हो चुका है, नहीं हुआ तो क्या आपकी वैकेंसीज रिलीज नहीं हुई। टीजीटी वाली सब कुछ रेडी है, लेकिन कुछ नंबर्स के फेर बदल में कि भैया अब जो जितनी भी वैकेंसीज अभी और क्रिएट हो गई हैं उनको भी साथ में ऐड करें या नहीं करें, उन सभी डाउट्स को लेकर और कुछ अपने जो डिपार्टमेंटल चीज़ें इनकी चलती ही रहती है तिकड़मबाजी कुछ ना कुछ, उन सब चीज़ों को लेकर अभी तक चीज़ें अटकी हुई हैं। केवीएस है, केवीएस का करीब पिछले 1.5-2 साल से चीज़ें अटका रखी हैं, इवन 1 साल तो प्योरली हो ही हो गया है, जिसमें हम ये भी श्योर थे कि हो सकता है कि सितंबर एंड तक वो चीज़ें देखने को मिल जाती, बट नहीं हुई। अभी भी उसके बाद आपके 5 महीने जा चुके हैं, अब आगे चीज़ें कब तक होंगी, क्योंकि उम्मीद क्यों नहीं नजर आ रही, उसका रीज़न ये है कि केवीएस ने मास बेसिस पर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स की भर्ती ले ली है। ठीक है, मास बेस पर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हर स्कूल हर स्टेट में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के लिए भर्ती हुई है। ठीक है, और वो चीज़ें कितने हद तक ठीक हैं, बिल्कुल ठीक तो खैर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ना ही जो लग रहे हैं उनको किसी चीज़ की सर्टेनिटी है, कुछ परमानेंट रहने वाली चीज़ें हैं, परमानेंट तो क्या ही है, खैर कुछ भी परमानेंट नहीं है यहाँ पे, बट एक सेटिस्फेक्शन के तौर पर अगर चीज़ें देखी जाए कि अगर आप एक जॉब में जा रहे हो, आपको एटलीस्ट ये डर ना रहे कि आज आप हो यहाँ पर और बाद में आपको निकाल दिया जाए, इस तरीके की चीज़ें SSC में देख लीजिए।